आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडिया वोडाफोन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में देखेंगे तो कंटिन्यूअस वन साइडेड अपट्रेंड फ्रॉम द प्राइस ऑफ अराउंड 825 यानी 8.25 रुपीज़ से कंटिन्यूअस अपट्रेंड, और इस समय देखेंगे कि अबव 50 डे मूविंग एवरेज और 9 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इन सभी अपट्रेंड के पीछे का कारण है, जो सबसे पहले हमने न्यूज़ देखा कि टेलीकॉम सेक्टर में अडानी की एंट्री हुई और प्री क्वालिफाइड जो मनी दिया गया उसमें देखेंगे तो अडानी सबसे मिनिमम लगभग 100 करोड़ के आसपास का रहा, जबकि वोडाफोन के तरफ से अराउंड 2200 करोड़ दिया गया, जिसमें देखा हमने कि जो अंबानी है, जियो है, वो सबसे आगे था। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट है, ऐसा कुछ आशंकाएं लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अडानी के पास जो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जो अडानी को टेलीकॉम सेक्टर में आने की जो मंशा है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की स्टेक को बेच दिया जाए अडानी को और अडानी हिस्सेदारी ले ले आइडिया वोडाफोन को। इस समय इसकी ऑथेंटिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए इस बात को लेकर के हम इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अब ट्रेंड में है तो आप चाहें तो इस स्टॉक में 8.50 रुपीज़ के स्टॉप लॉस को लगा करके 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। हालांकि एक और रिकमेंडेशन ये है कि क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल रखें, क्योंकि अगर 5G में सस्टेन नहीं करता है, अडानी बाइंग नहीं करती है, कैपिटल कहीं से अगर रेज नहीं होती है, तो फिर पेनफुल हो सकता है आइडिया वोडाफोन के इन्वेस्टर के।